हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म का टॉपिक है। सेक्युलरिज्म का टॉपिक इसको धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। आज हम सेक्युलरिज्म के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच क्या डिफरेंस है, यानी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता उसके बीच दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, उस चीज को देखेंगे और दोनों के बीच क्या मॉडल है। और इसके अलावा जो सेक्युलरिज्म जो है वो वर्ड कहां से आया है और इसकी सारी आज के टाइम पे इसकी क्या प्रासंगिकता है, इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है कि एक स्टेट, एक राज्य जो है नेचर के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है, यानी अगर बात किया जाए तो धर्म के आधार पर राज्य किस तरीके का हो सकता है। तो स्टेट जो है वो तीन टाइप का हो सकता है। एक तो सबसे पहले निरेश्वरवादी, यानी वो स्टेट जो किसी भी ईश्वर में बिलीव ना करता हो, वो स्टेट जिसका कोई भी यानी धर्म ना हो। तो ऐसा दुनिया में कोई स्टेट है ही नहीं, ऐसा दुनिया में कोई देश है ही नहीं जो किसी ईश्वर में बिलीव ना करता हो या कि जिसका किसी भी या जिसका कोई धर्म ना हो। क्योंकि हर एक स्टेट में जो कंट्री है वहां की हर एक पॉपुलेशन में कोई ना कोई धर्म तो है ही। तो इस तरीके से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे कोई धर्म ना हो, तो निरेश्वरवादी तो कोई देश है ही नहीं। सेकंड इज धर्म तंत्रात्मक, जहां पर किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दी जाती हो, लाइक पाकिस्तान हो गया, क्योंकि उसका निर्माण इसी धर्म के आधार पर हुआ था कि भाई मुस्लिमों के लिए एक अलग अलग देश का निर्माण किया जाए। जब आजादी हुई थी तो आजादी के टाइम पे यही इसी बेस पे पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, तो पाकिस्तान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया जो कि फिर बाद में पाकिस्तान से ही टूटकर बना था। यहाँ एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों टूटे 1971 में और फिर बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश भी धर्म के आधार पर ही गठन हुआ है, या खाड़ी के देशों की बात कर ली जाए तो वो भी धर्म के आधार पर ही बने हुए। और तीसरा हो गया सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मतलब जिनका कोई एक धर्म ना हो, जो सभी धर्मों का समान आदर करते हो और उनका जो हो वो किसी एक धर्म के प्रति बायस्ड ना हो। तो एक तरीके से देखा जाए स्टेट का, पहला निरेश्वरवादी, सेकंड इज धर्म तंत्रात्मक, थर्ड इज धर्म निरपेक्ष। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्युलरिज्म आखिरकार है क्या, तो सेक्युलरिज्म एक विचारधारा है। सेक्युलरिज्म एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि किसी पर्सन के साथ इस आधार पर यानी किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव या कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि वो किसी विशेष धर्म या किसी विशेष रिलीजन से संबंध रखता हो, या कि फिर स्टेट किसी धर्म यानी किसी एक धर्म को प्रायोरिटी भी नहीं देगी। तो ये सेक्युलरिज्म का एक मॉडल विचारधारा। हालांकि हर एक देश में अलग अलग सेक्युलरिज्म का मॉडल अपनाया गया। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म के मॉडल को अपनाया गया है, और अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक अलग मॉडल है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के मॉडल को अपनाया गया। टर्की ने अलग मॉडल अपनाया है, कम्युनिस्ट कंट्री ने अलग मॉडल अपनाया, तो एक तरीके से फ्रांस ने अलग मॉडल अपनाया। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट ने कौन कौन सा मॉडल अपनाया। तो सेक्युलरिज्म तो हमने देख लिया। अब सेक्युलरिज्म जो वर्ड आया था वो आया था एक ब्रिटिश राइटर थे होलियोक ने ये सेक्युलरिज्म वर्ड दिया था। अब ये सेक्युलरिज्म वर्ड जो दिया था होलियोक ने चार बातें बताई थी, वो चार बातों को हम देख लेते हैं। पहला उन्होंने बोला था कि स्टेट को न्यूट्रल होना चाहिए। स्टेट न्यूट्रल होना मतलब कि स्टेट को कोई एक पक्ष के साइड वो बायस्ड ना हो या वो न्यूट्रल रहे हमेशा। स्टेट को ये ध्यान रखना चाहिए वो किसी पर्सन के साथ इस आधार पर भेदभाव ना करे, इस आधार पर वो उसे डिस्क्रिमिनेट ना करे कि वो किसी अलग धर्म से या कि किसी विशेष धर्म से वो संबंध रखता हो। तो ये हो गया पहला। दूसरी बात उन्होंने बोली थी स्टेट को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करना चाहिए, स्टेट को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। थर्ड इज
जो स्टेट को रैशनलिटी प्रमोट करना चाहिए, यानी वो लॉजिक एंड फैक्ट के बेस पे बात करे, ना कि अंधविश्वास के बाद के बेस पे बात करे। चौथा अगर बात किया जाए तो स्टेट को मोरल सेकुलरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। तो ये चार बातों को होलियोक बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टेट सेकुलर है तो वहां ये चार बातें होना जरूरी है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं इंडियन सेकुलरिज्म का जो मॉडल है और जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मॉडल है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। वेस्टर्न कंट्री की बात किया जाए, वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएसए हो गया या यूके हो गया या फ्रांस हो गया, जो पश्चिमी देश है, तो वहां पे सेकुलरिज्म के अलग मॉडल को अपनाया गया। वहां पे क्या किया गया, कंप्लीट सेपरेशन अपनाया गया, यानी स्टेट और रिलीजियस के बीच किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कंप्लीट सेपरेशन रहेगा कि भाई स्टेट जो है रिलीजियस के मैटर में नहीं बोलेगा और रिलीजियस स्टेट के मैटर में नहीं बोलेगा, दोनों एक दूसरे के मैटर में नहीं बोलेंगे, कंप्लीट सेपरेशन रहेगा। लाइक अगर फ्रांस की बात कर ली जाए तो फ्रांस में क्या है कि बुर्खा पहनकर, क्योंकि बुर्खा क्या एक विशेष धर्म से संबंध रखता है, मुस्लिम धर्म से, तो बुर्खा पहनकर आप पब्लिक स्फेयर में नहीं जा सकते। पब्लिक स्फेयर में नहीं जा सकते मतलब अगर आप बुर्खा पहने तो आपको प्राइवेट स्फेयर में रहना पड़ेगा, पब्लिक स्फेयर में आप जाओगे तो आपको नॉर्मल गेटअप लेके चलना पड़ेगा। उनका यह कहना है कि फ्रांस का कहना है कि धर्म आपका प्राइवेट स्फेयर है, तो आपको क्या उसे आप अपने तक सीमित रखिए, उसे पब्लिक स्फेयर में मत लेके आइए। इसी तरह अगर कोई पंडित है तो वो चंदन लगा के नहीं जा सकता, या कि मौलवी के साथ, तो अलग अलग धर्मों के साथ ये है कि आप कोई अपनी जो विशेष धर्म से रिलेट करती है चीजों को आप यूज नहीं कर सकते पब्लिकली। वैसे और भी जो वेस्टर्न कंट्री वहां पे भी यही मॉडल को अपनाया गया है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में क्या है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। इंडिया में बोला गया है कि वैसे तो सरकार जो है हर एक धर्म के साथ थोड़ा डिस्टेंस रखेगी, यानी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के साथ वो क्या करेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखेगी। लेकिन जब उसे आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या करेगी, इंटरफेयर भी करेगी। जो इंटर रिलीजियस हार्मोनी स्टेब्लिश करने के लिए, इंटर रिलीजियस हार्मोनी मतलब दो धर्मों के बीच अगर हार्मोनी स्टेब्लिश करना है तब वो क्या करेगी, वो इंटरफेयर करेगी स्टेट के जो भी स्टेट रहेगी वो इंटरफेयर करेगी रिलीजियस मैटर पे, अगर इंटर रिलीजियस हार्मोनी स्टेब्लिश करनी, या कि एक रिलीजियस या कि एक धर्म के अंदर अगर कोई वर्ग है, कोई क्लास है, अगर उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, या कि उसे दबाया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर स्टेट इंटरफेयर करेगी। तो इस आधार पर कंप्लीट सेपरेशन को हमने नहीं अपनाया, हमने अपनाया कि भाई क्या है कि स्टेट और रिलीजियस के बीच अंतर, स्टेट और रिलीजियस के बीच सेपरेशन रहेगा लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उस पे इंटरफेयर करेगी स्टेट। अब उसका कारण यह था क्योंकि हमारे देश में धर्म रिलीजियस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अलग अलग धर्म के, यानी हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत है, यानी अलग अलग धर्मों के लोग भी, अलग अलग मान्यताओं के लोग बहुत ज्यादा है, और उनके उनके अंदर धर्म इतने गहरे तक है कि आप धर्म को उनसे अलग नहीं कर सकते। तो जो गांधी जी का कहना था कि भाई धर्म को आप लोग से अलग नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि एक टाइम पे सरकार की जरूरत पड़ेगी, सरकार को, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मों के बीच में क्लैश होगा, अगर धर्मों के बीच क्लैश ना हो तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी लेकिन धर्मों के बीच तो क्लैश होगा, इसीलिए गांधी जी ने बोला कि भैया गवर्नमेंट इस प्रकार का मॉडल अपनाएगी। तो गांधी जी का भी सेकुलरिज्म के ऊपर एक अलग मॉडल है, क्योंकि गांधी जी क्या एक महान व्यक्ति थे, यानी बड़े आदमी थे, तो वो क्या अलग अलग जगह हर एक स्फीयर में उन्होंने कुछ ना कुछ बातें कही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंटर रिलीजियस जो हम बोल रहे थे, या कि बोल रहे थे कि किसी एक धर्म में अगर सुधार लाना है तो फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी। अब किसी एक धर्म में सुधार लाने का मतलब, जैसे हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता था, तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफेयर किया, और उसके बाद जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके बाद से ही
ये फंडामेंटल राइट को ही इंक्लूड किया गया कि राइट टू इक्वालिटी आएगी, आर्टिकल 14 दिया गया, आर्टिकल 15 दिया गया, आर्टिकल 17 दिया गया, आर्टिकल 17 के तहत अनटचबिलिटी को खत्म करने के लिए बोला गया और अलग अलग एक्ट भी बनाए गए ताकि अनटचबिलिटी को खत्म किया जाए। हालांकि अभी भी गांव में शहरों में है अनटचबिलिटी, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म होगी जैसे जैसे पर्सन, जैसे जैसे सिटीजन हमारे एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे, वैसे वैसे ये अनटचबिलिटी को दूर किया जाएगा। तो इस प्रकार से अनटचबिलिटी को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, इंटरफेयर किया। उसी प्रकार सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल भी एक इश्यू था जहां पे सबरीमाला टेम्पल में वुमेन को, महिलाओं को एंट्री नहीं मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया ताकि महिलाओं के साथ इनइक्वालिटीज जो हो रही है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसे दूर किया जा सके। या कि ट्रिपल तलाक का इशू, ट्रिपल तलाक का इशू क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन चूंकि किसी एक वर्ग या किसी एक क्लास के साथ, जैसे वुमेन के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो स्टेट ने वहां पे भी जाकर क्या किया, इंटरफेयर किया और उसके ऊपर ट्रिपल तलाक के ऊपर अभी लॉ लाने वाली है। या कि फिर अलग अलग इशू, वेरियस इशू होते हैं जहां पे क्या करती है स्टेट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है। लेकिन अब मैटर यहाँ पे ये करता है कि कितना इंटरफेयर करना चाहिए और जरूरत कहाँ पड़ रही है। जैसे इसमें लिखा गया है कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब फिर जब जरूरत पड़ेगी तब इंटरफेयर करेगी। लेकिन अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार जरूरत कब पड़ रही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जरूरत पड़ने पर ही इंटरफेयर करना है। इट मींस अब जरूरत कब पड़ रही है, चूंकि ये एक विवाद का विषय बन जाता है। गवर्नमेंट को लगता है कि अब जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें कम्युनिटी को लगता है कि उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या कि उनके धर्म के ऊपर इंटरफेयर किया जा रहा है, तो क्या करते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ जो मॉडल अपनाया गया कंप्लीट सेपरेशन नहीं रहेगा, इसका भी समय समय पर विरोध होता आया है। हालांकि इसने एक अच्छा काम किया है, जब से देश आजाद हुआ तब से इसने अच्छा काम किया। तो एक तरीके से जो इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल है और वेस्टर्न का सेकुलरिज्म का मॉडल है, इसमें अंतर। हालांकि इसके अलावा पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म का भी मॉडल है। पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म में हर एक पार्टी क्या करती है, दूसरे कैंडिडेट के ऊपर बोलती है भाई ये सूडो सेकुलरिज्म के मॉडल को अपना रहा है, या इनका सेकुलरिज्म मेन सेकुलरिज्म नहीं है बल्कि ये सूडो सेकुलरिज्म है। जैसे कांग्रेस के ऊपर भी लगता है, बीजेपी के ऊपर भी लगता है, हर एक पार्टीज के ऊपर लगता है, ये पॉलिटिक्स को हम किनारे करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स को इंटरफेयर नहीं करते। तो इस तरीके से हमने सेकुलरिज्म के टॉपिक को डिस्कस किया। तो ये टॉपिक जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।